से आपको साउंड इस बाइक की आने वाली है गाइस। जो अगर फ्यूल पंप जो आपको कम अगर काम नहीं कर रही है तो ये जो लाइट है फ्यूल की ये ऑन हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने है बजाज की पल्सर NS200। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देख सकते हैं कि NS200 की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस बाइक की जो वेरिएंट है ये 2023 की वेरिएंट है ये। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में कि आपको क्या फीचर्स दिए गए 2023 की वेरियंट में और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो क्या आती है, सब कुछ आपको इस वीडियो पर चलने वाला है। तो वीडियो बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं गाइस इसकी जो मीटर कंसोल दी गई है यहाँ पे। पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको की देखने के लिए मिल जाती है। पल्सर की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है की के ऊपर। इस साइड से आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड में भी आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जा रही है। तो यहाँ पे इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं और बात कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट की। तो सेमी डिजिटल में आपको इंस्ट्रूमेंट कल्चर देखने के लिए मिल जाता है। जो टेकोमीटर है आपको एनालॉगिंग में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे गियर के लिए आपको जो अभी न्यूट्रल में है तो यहाँ पे एन लिखा हुआ आ रहा है न्यूट्रल में। यहाँ पे टाइमर देखने के लिए मिल जाता है और इस साइड में आपको डिजिटल लाइट कुछ देखने के लिए मिल जाती है गाइस। यहाँ पे जैसे न्यूट्रल की लाइट, बैटरी परसेंटेज का, फ्यूल का आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो अगर फ्यूल पंप जो आपको कम अगर काम नहीं कर रही है तो ये जो लाइट है फ्यूल की ये ऑन हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो कूलेंट दिया गया है इसमें इसकी आपको यहाँ पे ये लाइट देखने के लिए मिल जा रही है रेड कलर की। और यहाँ पे इंजन माल फंक्शन का आपको लाइट देखने के लिए मिल जाता है डिजिटल में। यहाँ पे ABS के लिए आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप पासिंग के लिए भी देख सकते हैं कि जब मैं पासिंग पर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लाइट देखने के लिए मिल जा रही है। इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो कुछ इस तरीके की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जा रही है गाइस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी स्विचेस की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि स्विचेस पे जो लाइट दी गई है ब्लू कलर की आपको लाइट देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे पासिंग के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ पे हाई और लो के लिए, इंडिकेटर के लिए, और यहाँ पे बीच में प्रेस करने पे ये बंद हो जाती है। तो इंडिकेटर के लिए लाइट जो दी गई, बटन जो दी गई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे ऑन के लिए एक स्विच देखने के लिए मिल जाता है। इस से बात कर ले तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि इंजन के स्विच मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट के लिए आपको एक स्विच दिया गया है। इतनी चीज साइड में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस बाइक में आपको कोई भी किक नहीं दिया गया है। देख सकते हैं कि कोई भी किक आपको देखने के लिए नहीं मिलती इस बाइक में। बात कर लेते हैं इस बाइक की ग्राफिक्स की। तो फ्रंट से हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाइजर के ऊपर साइड में आपको रेड कलर की ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। रेड एंड ग्रे में आपको ग्राफिक्स दिया गया है। यहाँ पे बजाज की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे डुअल टोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है मड गार्ड। यहाँ पे कार्बन की फिनिशिंग की स्टिकर दी गई है और यहाँ पे आपको मैट में आपको मैट ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल जाता है मड गार्ड। इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि सेम ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे 200 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। रेड कलर की स्टिकर यहाँ पे भी रेड कलर की स्टिकर दी गई है। पल्सर की ब्रांडिंग आपको 3D में देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं। साइड पैनल पर आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी गई है। यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर का आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। रियर पैनल पर देख सकते हैं कि ग्रे में और यहाँ पे रेड में आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे NS120 की ब्रांडिंग आपको दी गई है। रियर साइड की लुक की बात कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक दी गई है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन, नंबर प्लेट की लाइट यहाँ पे दी गई है। रिफ्लेक्टर आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में येलो कलर की और यहाँ पे रेड कलर की रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाती है गाइस। कर लेते हैं इस बाइक की इंजन की गाइस। तो इंजन जो है आपको लिक्विड कूल ट्विन स्पार्क 4 वॉल्वो DTS FI इंजन आपको दिया गया है। इंजन सीसी की बात कर ले तो 199.5 सीसी की इंजन दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेडिएटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है। यहाँ पे आपको कूलेंट देखने के लिए मिल जाता है। और इस बाइक की मैक्स पावर की बात कर लो तो 24.5 PS की मैक्स पावर दी गई है और इसकी मैक्स टॉर्क है 18.74 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है इस बाइक में। और इस बाइक की अब बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि 100x80 का आपको टायर दिया गया है, मतलब 180 का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ में गाइस। और यहाँ पे 300 mm का आपको डिस्क प्लेट दिया गया है डुअल चैनल ABS के साथ में। अब यहीं पर बात कर रियर टायर की,
तो रियर टायर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं कि जो टायर दिया गया है 130/70 की आपको टायर दी गई है, 17 इंच की अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाती है, 230 mm का आपको डिस्क प्लेट रियर में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बात कर ले अगर इसकी सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको काफ़ी हैवी में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं सिल्वर कलर में आपको सस्पेंशन दिया गया है। और यहाँ पे रियर साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है रेड कलर में, जो 7-स्टेप और एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन दिया गया है इस बाइक में। इस बाइक के फुटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं कि फोल्डेबल फुटरेस्ट को देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन एंड कैपेसिटी की, तो इसकी जो लेंथ दी गई है गाइस वो है 2017 mm की आपको लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। सीट हाइट है इसकी 804 mm की सीट हाइट दी गई है, और इस बाइक की जो हाइट दी गई है वो टोटल है 1075 mm का हाइट आपको दिया गया है इस बाइक में। इसकी टोटल वेट है 158 kg की टोटल वेट दी गई है, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो साइड स्टैंड कटआउट स्विच है वो भी आपको इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड स्टैंड कटआउट स्विच इस बाइक में आपको दिया गया है। यहाँ पे बात कर ले इसकी इंजन काउल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि फुल्ली ब्लैक में आपको इंजन काउल दिया गया है, और जो ग्राफिक्स आपको रेड एंड वाइट की आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो स्टिकर दिया गया है वो आपको रेड में दिया गया है अलॉय व्हील के ऊपर। रियर साइड में भी आपको अलॉय व्हील के ऊपर आपको रेड की ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं। अब जो गाइस इस बाइक की एग्जॉस्ट और इसकी जो हेडलाइट है वो देखते हैं कि कैसी है। तो यहाँ पे इसकी की को ऑन करते हैं, और यहाँ पे इस बाइक को करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे जो इसका हेडलाइट है आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाएगा। जो ये चीज़ है आपको अपडेट नहीं की गई है, ये आपको हैलोजन में ही देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो छोटा सा DRL दिया गया है वो भी आपको हैलोजन बल्ब में ही देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट है देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट, यहाँ पे साउंड इस तरीके की आपको सुनने में आ रही है। तो फटल देखे मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। कुछ इस तरीके की आपको साउंड इस बाइक की आने वाली है गाइस। कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की गाइस, तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,43,200 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,74,100 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस है। पटना बिहार में आकर्ष बजाज में यहाँ पे आप आ सकते हैं, इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, चाहे तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कि फाइनेंस के बिहाफ पे आपको जानकारी अगर चाहिए तो बात कर सकते हैं गाइस। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।